सो मुझे लगता है कि बिजनेस आइडिया जो भी होए वो पैसा कमाने के लिए होना चाहिए शुरू शुरू में, बाद में भी पैसा कमाने के लिए बिजनेस आइडिया होता है। जो आइडिया में बिजनेस नहीं, पैसा नहीं कमाना, मुझे लगता है उस आइडिया का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ साल के बाद जाके जब बिजनेस में घाटा खाया और कंटिन्यूसली घाटा खाया, तो जो लोग मुझे कहते थे बहुत इंटेलिजेंट बंदा, उन्होंने कहा यार बेवकूफ़ आदमी है लाइफ में। सो जब तक आप पैसा कमाते हो तभी तक लोग आपको समझदार मानते हैं। जिस दिन आपने घाटा कर लिया, सपोजली आपने 100 रुपये बनाए और 20 रुपये का घाटा कर लिया, तो लोग आपको कहना शुरू कर देता है बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, इसको तो कुछ काम करना ही नहीं आता लाइफ में। सो द सेम पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू यू नेगेटिव अबाउट यू। सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज जो भी आइडिया हो वो अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए काम होना चाहिए। बिकॉज अगर हमने वेल्थ नहीं कमाई, पैसा नहीं कमाया, तो कोई भी हमारे साथ नहीं रहने वाला, ना एम्प्लॉय रहने वाला, ना डिस्ट्रीब्यूटर रहने वाला, मतलब जो भी बिजनेस हम करना चाहते हैं। और मुझे क्या लगता है कि बिजनेस में आइडियाज जो होते हैं, जो आप आइडिया लेके चलते हो और जो आइडिया अल्टीमेटली चेंज होते रहते हैं, मतलब आपने आज एक आइडिया से बिजनेस शुरू करा, आपको लगा यार ये वाला आइडिया नहीं, इससे और अच्छा आइडिया है, एंड यू कीप ऑन चेंजिंग योर यू नो बिजनेस अकॉर्डिंगली। वन कैन नॉट से कि यार मैंने आइडिया से शुरू करा और इसी आइडिया में मैं स्टे करूंगा, बिकॉज बिजनेसेस आर चेंजिंग विद द टाइम। आज ऐसा नहीं है कोई भी आपने आइडिया लिया वो आइडिया रिलेवेंट रहेगा 5 साल के बाद। हर चीज़ बहुत डायनेमिक है आज की डेट में, बिजनेस में बहुत डायनेमिक चीज़ है, एंड हमारे में अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कभी कभी जिस आइडिया से लेकर शुरू करते हैं हम काम, वो आइडिया तो बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन जो नया आइडिया आता है दैट इज़ सो ग्रेट, उसकी अगर हम ठीक तरह से मतलब एग्जीक्यूशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है आइडियाज़ आर ऑलवेज चेंजिंग इन द बिजनेस एंड वन शुड बी ऑलवेज ओपन फॉर द आइडियाज़। एंड बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ जो है मुझे लगता है हर स्टेज पे समझने की जरूरत है, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या करने से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्या करने से लॉस मिलेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा हमारे उस पर रहना चाहिए फ्रंट पे कि यार ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। कभी कभी कंपनियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें ये नहीं पता लगता प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, टोटल कंट्रोल हाथ से निकल जाता है एंड ये नहीं पता होता लेफ्ट राइट आर्म क्या कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज़ होती है जिसमें कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम 2 साल बाद पैसा बनाएंगे, हम 5 साल बाद पैसा बनाएंगे, मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। कभी कभी क्या होता है 2 साल 5 साल निकल जाते हैं, 2 साल के पहले ही आपके एम्प्लॉयज आपका मॉरल इतना गिर जाता है कि आप उस बिजनेस को आगे चलाने के लायक रहते ही नहीं। मैंने बड़े सारे लोगों को बिजनेस मॉडल करते देखा है जहाँ पे वो शुरू में ये सोच के चलते हैं कि हम 5 साल के बाद अपना बिजनेस मॉडल में पैसा बनाएंगे। सो आपके साथ जो लोग आके काम करना शुरू करते हैं, जो लोग आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ रेज मिले, कुछ वैसे मिले, और जो भी बिजनेस आइडिया आप ये सोच के चलते हैं कि 5 साल के बाद है, तो बिजनेस आइडिया ही फ्लॉप है। क्योंकि 5 साल तक क्या होगा, बीच में क्या चेंजेस आएंगे, आपका मेंटल लेवल क्या रहेगा, बाकी सब चीज़ें आपके आसपास की कैसे रहेंगी, यू रियली कांट प्रेडिक्ट। सो बिजनेस शुड बी ए वन थिंग कि हाँ भाई ये छोटा तो अभी पैसा कमाना है, बड़े को बाद में देख लेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को बिजनेस में क्या होता है, एज एन एंटरप्रेनर हमें लगता है यार ये चीज़ तो बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत स्ट्रांग आइडिया है, और हम उसके पीछे भागने लगते हैं और डे टू डे को छोड़ देते हैं जहाँ से पैसा आ रहा होता है। मैंने भी बहुत बार गलती करी इस लाइफ में कि जहाँ पे मुझे लगा यार बहुत बड़ी आइडिया है, इसमें तो हम बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, और मैंने शॉर्ट टर्म गोल को छोड़ दिया। तो कभी कभी क्या होता है बिजनेस से भी बाहर हो जाते हैं हम, बिकॉज समटाइम्स यू नो लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं वो हमेशा टाइम लेते हैं, और कभी कभी पहुँचेंगे पोजिशंस तक, हम वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे ये पता ही नहीं रहता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस रहे, लॉन्ग टर्म को एज अ व्हेन सिचुएशन कम्स वील सी। लोग बोलते हैं आज की डेट में मार्केटिंग में आप कुछ भी, पहले एक ज़माना था लोग बोलते थे कि भाई मिट्टी को सोना करके बेच सकते हैं, तो आजकल एक टाइम ऐसा है जब सोना भी नहीं बिकता, आपके हाथ में सोना दे दो तो आपको सोना बेचना मुश्किल हो जाए। एम आई राइट? और सो टाइम्स हैव चेंज्ड। मुझे नहीं लगता हमने वो ज़माना देखा नहीं जबकि मिट्टी से सोना, मिट्टी को लोग सोना करके बेचते थे। हमने जो ज़माना देखा है वो यही है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, दमदार है, तो लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे, अदरवाइज आप जितनी ऐड कर लो आपके अगेंस्ट जाएगी, ऐड कर लो जो मर्जी कहानी कर लो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है आपको कोई खड़ा नहीं कर सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं अगर अच्छा नहीं है तो मार्केट में मत जाइए, या अगर आपको लगता है इस लेवल पे है और इंप्रूवमेंट में करता चला जाऊंगा तो आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाओ और उसकी इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करो रादर देन गोइंग फॉर न्यू आइडियाज़। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट एवर प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर ऑफरिंग टू द कस्टमर, इट हैज़ टू बी अप टू द मार्क, और नॉट अप टू द मार्क तो कम से कम एक स्टैंडर्ड जहाँ पे यू कैन से दैट यू नो इट इज़ सर्विंग द पर्पस, नॉट कि आपने कहा कि मैंने लगाया और आज इसको छोड़ा, आगा छोड़ पीछा भाग, ऐसा वाला कुछ कहानी होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट चलने वाला है, नहीं तो सॉरी मुझे नहीं लगता कोई बंदा आज की डेट में
ये कह सकता है मेरा प्रोडक्ट खराब था फिर भी मैं चल गया। जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लोगों में नज़र आता है और मेरे को अपनी ज़िंदगी में नज़र आया वो है मार्केटिंग। हम सब लोग सारा फोकस लगाते हैं प्रोडक्ट बनाने में, मार्केटिंग के अंदर हमारा कोई फोकस नहीं होता। हम सोचते हैं पहले प्रोडक्ट बन जाए फिर मार्केट करेंगे, और मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता किसी को समझ आता। मेरे को इतने साल काम करते हो गए मुझे समझ आया कि मार्केटिंग मेरे को समझ नहीं आती है। एंड यू नो इट्स सच ए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। प्रोडक्ट जैसे ही बन रहा है उसके साथ साथ मार्केटिंग क्या है। लोग बोलते हैं हम अपने प्रोडक्ट में थोड़ी सीक्रेसी रखेंगे, हम तब बताएंगे जब लोगों को बना लेंगे, तो भी तुम्हारे प्रोडक्ट में कौन इंटरेस्टेड है यार। यू नो सम पीपल थिंक यार मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो इतना यू नो सीक्रेट रख के चलूंगा, जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो दुनिया पता नहीं क्या कर लेगी। एंड ऐसा होता नहीं है। सो आज की डेट में अगर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे आप आईफोन ले लीजिए, वो पहले से शोर मचाना शुरू कर देते हैं हम आईफोन 5 लेके आ रहे हैं, आईफोन 6 लेके आ रहे हैं, ताकि यू नो लोगों में एक उत्सुकता बन जाए, लोगों में एक देखे भी क्या हो रहा है, क्या नया लेके आ रहे हैं। आज का ज़माना वो नहीं है कि आप कहो जी मैंने सब कुछ अपने उसमें रखा हुआ है, लास्ट स्टेप में मैं आप सबको बताऊंगा, और कोई इंटरेस्ट नहीं हमारे हमारी ज़िंदगी में यार। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना लें, सर्विसेज बना लें, हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभी तो हम आइडियाज ही गलत लेके चलते हैं। हम लोग आइडिया ऐसे ले लेते हैं, हमें नहीं पता था प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं यार ये चीज़ लोगों को चाहिए, और हम बनाना शुरू कर देते हैं। ना कोई मार्केट में, मतलब आपको सर्वे भी करना होता है कि ये प्रोडक्ट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम लोग इतना टाइम खराब करते हैं नए नए आइडियाज़ के साथ, हम सोचते हैं यार हमने आइडिया सोचा और ये तो बिकेगा। जब हम बाजार में जाते हैं सब कुछ जाते हैं तो हम देखते हैं यार ये तो साला कोई लेता ही नहीं। एंड अल्टीमेटली मार्केटिंग में क्या रहता है कि फर्स्ट मार्केटिंग यू हैव टू डू इट टू योर ओन एम्प्लॉइज। ज़्यादातर लोग पहले मार्केट बाहर करने चले जाते हैं, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू कन्विंस योर पीपल। उसी में बहुत ज़िंदगी निकल जाती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग तो सेल्स वाले को समझा पैसे रख लिए, इसको पैसे दे रहे हैं ये तो काम करेगा। ऐसा कभी नहीं होता। आज की डेट में आप भी जानते हैं जितने लोग काम कर रहे हैं, पैसे दे दो कुछ दे लो, बंदे काम नहीं करते। Am I right or wrong? अरे एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ही आज ही है कि यार हमारे लोग काम नहीं करते, अगर ये काम करें तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं। सो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मार्केटिंग, कि हमने उनका दिमाग खराब करा सवेरे शाम। क्योंकि इट्स नॉट मनी विच ड्राइव्स देम, इट इज फर्स्ट कि हाँ यार हमारा प्रोडक्ट में दम है। अगर हम ही अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे तो वो भी कहेगा यार जरा मालिक ही नहीं बोलता तो हमने क्या बोलना है। मतलब जो भी आप करेंगे उससे 10-20% ही वो करेगा। मतलब आपने जो चीज़ करी है उसको 10-20% ही करेगा। तो बार बार उसको समझाना पड़ता है भैया हमारे प्रोडक्ट में ये है वो है, सवेरे शाम उसका दिमाग ख़राब करके रखना चाहिए कि भैया ये है हमारे ये कर दिया वो कर दिया। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग। यू नो कि हमें ये नहीं पता होता कि कस्टमर कौन है हमारा। हम अपने बंद कमरे में जैसे जैसे काम बढ़ना शुरू हो जाता है, हम अपने बंद कमरों में बैठने लगते हैं और अंदर ही बैठ के डिसीजन दे रहे होते हैं, और जो हमें कुछ सुनाना चाहता है वही सुनना चाहते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हु इज़ माई कस्टमर एट एनी स्टेज, हु इज़ माई कस्टमर और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मुझे ये तो पता नहीं मेरा कस्टमर क्या है, मैं अपनी कोई चीज़ बना के बैठ जाता हूँ। और जो चीज़ लो हैंगिंग फ्रूट होता है वो ये होता है कि आपका कस्टमर है और उसको कुछ चाहिए, पर वो बीच के लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, और हम भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कस्टमर को किस तरह से कम्युनिकेट करना है, सो दैट वी अंडरस्टैंड वॉट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कस्टमर। सो इट इज़ वेरी वेरी एंड कभी कभी जो मैं अप्रोप्रिएट कॉस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, कभी कभी कई लोग बिजनेस कोई नौकरी छोड़ी, किसी कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे वो 100 रुपये की चीज़ बिकती थी और उन्होंने बाहर आके वो चीज़ बनाई और उन्होंने कहा यार मैं 80 रुपये में बेचूँगा, 100 रुपये में तो मेरी कंपनी बेचती थी, मैं 80 रुपये में बेचूँगा, वो चीज़ ही नहीं बिकी। क्योंकि उसने देखा यार मेरे जो ये कंपनी बेच रही है वो 80 रुपये की बेच रही है, तो मैं 100 रुपये की बेच रही है तो मैं 80 रुपये में तो बेच ही लूँगा, और कस्टमर को मैं 20 रुपये का फ़ायदा करा रहा हूँ। वो कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो कंपनी इस्टेब्लिश कंपनी है, प्रोडक्ट उसका रिलायबल है। सो समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट कॉस्ट वी आर सेइंग, वी स्टार्ट कंपीटिंग विद द मार्केट कि मार्केट में ये रेट चल रहा है, इससे मैं 10 रुपये कम में बेचूंगा तो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा, या मैं 20 रुपये कम रखूंगा, ऐसा होता नहीं है। सो यू हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड द मार्केट। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पैसा रख के प्रोडक्ट बिकेगा, मतलब जो प्रोडक्ट जो प्राइस बाजार में चल रहा है उससे बड़ा प्राइस लेके आओगे तभी बिकेगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके 50% भी बेचना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड एट व्हाट कॉस्ट आई हैव टू सेल माय प्रोडक्ट, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस नॉलेज एंड योर ओन लर्निंग्स। आई थिंक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हम ज़्यादातर एंटरप्रेनर्स क्या होता है, जिन लोगों के साथ काम करते हैं ना हम उन्हीं पे सब कुछ
सब ज़्यादा फोकस उन्हीं पे करते हैं कि ये लोग है यही सारा काम करेंगे. वी नेवर ट्राई न्यू पीपल, वी फोकस ऑन दी ओल्ड एम्प्लॉयज ओनली. वो हम सोचते हैं यार ये बंदा मेरे साथ आया था और यही सारे काम करेगा, और एक बंदे को इतना लाद देते हैं कि वो हाइट ऑफ इनकम्पेटेंसी पे पहुंच जाता है बंदा. सो समटाइम्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कीप ऑन वर्किंग विद न्यू पीपल, हायर न्यू पीपल, अंडरस्टैंड दैम एंड दे माइट बी बेटर देन योर एग्जिस्टिंग पीपल. एंड ऑब्वियसली आज की डेट में हायरिंग ग्रूमिंग इट्स अ बिग बिग चैलेंज. एन एंटरप्रेनर हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हमारे ब्याह पे ये कोई नहीं करने वाला. कोई एचआर हेड रख लोगे और वो सोचेगा भी हमारा कंपनी चला देगा, ऐसा नहीं होने वाला. जिंदगी भर एचआर हेड कंपनी के खुद ही रहोगे आप, और जिस दिन आप कंपनी के एचआर हेड से हटे कंपनी डूबने का चांसेस आर वेरी वेरी हाई. आई मीन यू कैन हैव अ हेड, यू कैन हैव पीपल, बट यू हैव टू हेड एचआर, बिकॉज पीपल आर द मेन एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. चाहे आपकी मशीनें क्यों नहीं लगी हुई हैं और मशीनों पर लोग काम कर रहे हैं, बट दोज पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So you have to be always the HR head of the organization. And मैंने देखा कि अपने experience में कि हम लोगों को clarity नहीं देते. हम बंदा hire कर लेते हैं, उसको बताते नहीं तूने करना क्या ढंग से, और जो हमारे नीचे वाले hire करते हैं वो तो हमारे से बड़े पहलवान होते हैं. वो और भी ज़्यादा confuse कर देते हैं आदमी को, लेके रख लेते हैं और ये बताते नहीं तुझे करना क्या है, और वो बेचारा employee इधर उधर भागता रहता है. छः महीने साल के बाद वो भी दुखी, उसका बॉस भी दुखी, और कभी कभी हम ही ये काम नहीं करते ठीक तरह से. When we are hiring, we are not writing. What do we expect from this person? उसका टाइम लगा के बताना भैया तेरे गोल्स हैं, ये तीन महीने में मैं तेरे से एक्सपेक्ट करता हूँ या मैं तेरे से छः महीने एक्सपेक्ट करता हूँ, ये हम उसको बताते ही नहीं. और क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे बंदा छः महीने के बाद कहता है यार हम या तो सोचते हैं इसको निकालो यार ये काम नहीं कर रहा, बट हमने उसको कभी भी क्लियर टर्म्स में अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं बताई, तो निकालना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि साले को हमने कुछ बताया ही नहीं कि तेरे को करना क्या, और छः महीने बाद हम कह रहे हैं यार तो काम ही नहीं कर रहा. सो अगर काम नहीं कर रहा तो अगर हम उसको ट्रैक करेंगे प्रॉपरली मंथ टू मंथ और वीक टू वीक, देन वी नो विद इन 3 weeks और विद इन 6 weeks ही रन अवे, वो खुद ही भाग जाएगा. लेकिन अगर हमने उसको ट्रैक नहीं किया तो बड़ा चैलेंज आता है इसको निकाले कैसे यार. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट यू गिव क्लैरिटी टू पीपल एंड देन यू इंश्योर दैट नेक्स्ट लेवल पीपल गिव क्लैरिटी टू द नेक्स्ट लेवल. सो हाउ डू यू क्रिएट सच सिस्टम्स दैट दीज थिंग्स हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन.